तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 8th क्लास की मैथ्स, जिसके एक्सरसाइज है 3.3 और क्वेश्चन है हमारा 9। तो 9 हमारा क्वेश्चन कह रहा है, दी गई आकृति में रिस्क तथा क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले अपनी आकृति जो है वो बना लेते हैं। तो आकृति जो है वो कुछ इस तरीके से बनी हुई थी, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या बोला है, रिस्क। रिस्क का मतलब RISK, ये एक हमारा समांतर चतुर्भुज है। दूसरा बोला था क्लू, क्लू मतलब CLUE, क्लू, ये हमारा दूसरा समांतर चतुर्भुज है। मान क्या निकालना है, मान जो हमें निकालना है वो एक्स का निकालना है, ठीक है। एक्स का मान निकालना है, तो कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से, ये कितने समांतर चतुर्भुज हैं, दो समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ दो समांतर चतुर्भुज RISK तथा CLUE हैं, ठीक। कितने समांतर चतुर्भुज हैं, दो समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है। अब हमको पता है कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, फिर से आपको बता देते हैं। हालांकि आपको पता है, मैं हर वीडियो में आपको रटवाते हुए चल रही हूँ। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, समभुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। पर यहाँ पर विकर्ण का कोई काम ही नहीं है फिलहाल, हम यहाँ पर देखते हैं। सम्मुख कोण बराबर, मतलब ये कोण जो है किसके बराबर हो जाएगा, इस कोण के, क्योंकि ये जो है हमारा कहाँ गया चतुर्भुज, ये जो है ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाला कोण हो जाएगा। ये जो है हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, इसका सम्मुख कोण हमारा ये है, ठीक है। और तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण के बराबर कोण आई, ये कैसा हुआ, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम्मुख कोण है। कैसे कोण है, सम्मुख कोण हैं, इसलिए ये हमारे क्या हैं, बराबर हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं के, तो हमको पता है, ठीक है। तो कोण आई जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कोण क्या हो गया, 120 अंश हो गया, ठीक है। अब हम ये वाला कोण निकाल सकते हैं, हमको पता है कि आसन्न कोण क्या होते हैं। आसन्न कोण वो होते हैं जिसमें पास वाले जो कोण होते हैं उनको आसन्न कोण कहते हैं, और इनका समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है या संपूरक होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, कोण चूंकि समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण कैसे होते हैं, संपूरक होते हैं, या कह लो 180 अंश के होते हैं, ठीक है। ये लिख दी हमने बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगी। तो मतलब कोण के और कोण आर जो है, कोण के प्लस कोण आर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 180 अंश के बराबर हो जाएगा। कोण के पता है हमारा 120 है, कोण आर हमको पता नहीं है, ठीक है। तो ये हम निकाल सकते हैं ना आसानी से कोण आर। तो कोण आर हमारा क्या हो जाएगा, 180 में से क्या घट जाएगा, 120 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। तो मतलब कोण आर जो है वो हमारा क्या आ गया, 60 अंश आ गया है। अब कोण आर हमारा 60 अंश आ गया है, तो इसका सम्मुख कोण कौन सा है, इसका सम्मुख कोण है हमारा ये वाला, जो कि हमारा 60 अंश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे ये जो है इसको यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। मुझे बिगाड़ना पड़ेगा, आप साथ के साथ नोट करिएगा क्योंकि लंबा हो सकता है क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, कोण आर बराबर कोण एस कैसे हो गए, ये हमारे सम्मुख कोण है। कैसे कोण है, सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण है। तो हमारा कोण जो एस है वो हमारा क्या हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा, ठीक है। 60 अंश का कोण ये जो है वो हमारा हो गया है। अब हमें ये वाला कोण पता करना है। ये वाला कोण पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला कोण पता करने के लिए हमको पता है कि ये वाला कोण, इसका सम्मुख कोण जो है ये है, ये भी हमारा इसका सम्मुख कोण है। तो अगर ये 70 है, इस वाले चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, इस वाले चतुर्भुज की,
ये हमारा इस कोण का सम्मुख कोण हमारा ये है, ये 70 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण कौन सा है L बराबर कोण E, ये भी हमारे कैसे हैं सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, तो मतलब कोण E जो है वो हमारा क्या निकल के आ गया, 70 अंश निकल के आ गया है। ये क्या निकल के आ गया है, ये हमारा 70 अंश निकल के आ गया है। अब हमको पता है कि ये हमको क्या आकृति दिख रही है, त्रिभुज की आकृति दिख रही है, त्रिभुज की आकृति दिख रही है जिसमें कि हमको दो कोण पता है, तीसरा कोण जो है वो हमको पता करना है। तो हम क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नियम लगा देंगे त्रिभुज के तीनों कोण का योग। चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वो क्या होता है, 180 अंश होता है, ठीक है, जिसमें से हमें दो कोण पता है, 70 अंश पता है और 60 अंश पता है, और तीसरा कोण क्या पता है, x अंश पता है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 180। तो x का मान निकाल सकते हो ना, कैसे निकलेगा, 180 में से क्या घट जाएगा, इन दोनों का जोड़, जो कि क्या होगा 130 होगा, ठीक है। अब हमारा x का मान क्या आ जाएगा, एक 180 में से 130 गया तो 50 अंश आ जाएगा, तो x का मान हमें निकालना था जो कि हमारा आ गया है कितना, 50 अंश, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।